बोला था जिस समाज की सामाजिक समस्या नहीं होती है उसकी कोई समस्या नहीं होती है, और जिस समाज की सामाजिक समस्या होती है उसकी समस्या ही समस्या होती है। हमारी सामाजिक समस्या यह है कि हमारे पास सिस्टम नहीं है, विचारधारा नहीं है, मिशन नहीं है, इस समाज के लिए लड़ने मरने वाले लोग नहीं है। हम आपस में बढ़ गए हैं, कोई भील बोल के बढ़ रहा है, कोई बिलाला बोल के बढ़ रहा है, कोई दाविद तो कोई गोंड तो कोई कोरकू, ऐसा नहीं चलेगा। आपका डीएनए एक है, आपकी संस्कृति एक है, आपके अधिकार एक है, आपका अस्तित्व एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। और जब समाज एक है तो आपकी विचारधारा भी एक होना चाहिए और आपका मिशन भी, तो उसी तरह से आपको इस समाज को चलाना है। आपको अगर आने वाली जनरेशन को जिंदा रखना है, अपने समाज को जिंदा रखना है, तो बिगर मिशन के कोई दूसरा चारा नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, सोच लीजिए अगर इतने सारे टंटे भील हो जाएंगे तो क्या होगा, अगर इतने सारे टंटे मामा हो जाएंगे तो क्या होगा, कोई दूसरा तीसरा मामा नहीं रह गया। तो आप लोग अपने आप को, अपनी मां को, अपने बहन को, अपने बच्चों को समझाओ कि एक सामाजिक जीवन के साथ साथ सामाजिक मिशन भी चलना चाहिए, और यही मिशन हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है, उसी पूर्वजों के आंदोलन को आगे चलाना है, आगे मिशन चलाना है। मेरा टाइम खत्म हो गया है, मैं आप सब लोगों का, आयोजकों का, सबका धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, नहीं कोई वंस मोर नहीं, दादा 5 मिनट, राजा का बेटा राजा नहीं, नेता का बेटा नेता नहीं, समाज के गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेतृत्व करना चाहिए। आप लोग, मेरा समय खराब ये हो गया है, समाप्त हो गया है, लेकिन मैं जाते जाते आखिरी बार याद दिलाना चाहता हूं, आने वाले 26 जनवरी को हमारे भगवान का बर्थडे है, इस देश का स्वाधीनता दिवस नहीं, पहले टंटा मामा का जन्मदिन, बाद में स्वाधीनता दिवस, क्योंकि टंटा मामा पहले शहीद हुआ, बाद में आजादी मिली। आपका ये इस देश का फादर नहीं, ग्रैंड फादर है टंटा मामा। तो आप लोग ईमानदारी से सांस्कृतिक कोड के लिए काम करेंगे, यही मेरी आप लोगों से विनंती है। जय बिरसा, जय टंटा मामा, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सम्मानी सतीश दादा पेंदाल जी का, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत अभिनंदन।